हेलो एवरीवन, आई होप यू रीडिंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम 23 करने जा रहे हैं फ्रॉम सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब। सो हियर इज द स्टेटमेंट। एक्स रेज विद अ वेवलेंथ ऑफ 1.54 एंगस्ट्रम आर यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पेसिंग ऑफ 200 प्लेन इन प्लैटिनम। द ब्रैग एंगल फॉर दिस रिफ्लेक्शन इज गिवन विच इज 22.4 व्हाट इज द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द एल्यूमिनियम क्रिस्टल। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है जिसमें जो हमें गिवन है डाटा वो है लैम्डा विच इज़ 1.54 ऑंगस्टम। ठीक है, ये हमें गिवन है और उसके अलावा हमें प्लेन गिवन है एच के एन एल की फॉर्म में। ठीक है, मिलर इंडिसेस उसके गिवन है 200 और हमें ब्रैग एंगल गिवन है जिस थीटा इक्वल्स 22.4 डिग्री। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने साइड ऑफ द यूनिट सेल फाइंड आउट करनी है, मतलब ए फाइंड आउट करना है, लैटिस पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ओके, सो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। नाउ वी नो दैट ब्रैग इक्वेजन 2d sin थीटा इक्वल्स लैम्डा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे d का हमने फॉर्मूला पुट कर देना है विच इज़ a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर। ठीक हो गया, इनटू साइन थीटा एज इट इज़, 2 एज इट इज़ d का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया है साइन थीटा आगे और ये आ गया लैम्डा। ठीक है, फाइंड आउट हमने ए करना है, ए को इधर रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ों उधर ले जाएंगे। तो ये लैम्डा इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2 sin थीटा नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके डिवाइड। तो ए ही फाइंड आउट करना था, हमने लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 1.54 मल्टीप्लाई 10^-10। ठीक है, ये ऑंगस्ट्रम को अगर आप हटाएंगे, ठीक हो गया। सो आगे है एच के एन एल की वैल्यू जो कि है एच की ये है, के की ये है और एल की ये है। तो सिर्फ एच नॉन ज़ीरो है तो 2 का स्क्वेयर और ये आगे तो 0 ही आएंगे इंटू 2 sin ऑफ थीटा, थीटा है 22.4। तो ये 1.54 मल्टीप्लाई 10^-10 ये आ जाएगा। ये तो ये अंडर रूट 4 जो है 2 होता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली आपके पास 1.54 मल्टीप्लाई 10^-10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 22.4 बच जाएगा, जिसे अभी हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या आंसर आया है, 4.04 और मल्टीप्लाई 10^-10 मैंने वैसे ही रहने दिया था। तो ये अगर इसको ऑंगस्ट्रम में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यही इसका आंसर था। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से हमारी सॉल्व हो जाती है। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको समझ आया होगा।